सन्मुख सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को अपने मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। आँख कान मुख नाप के नाम निरंजन ले अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। गुरुमुखों वास्तव में देखा जाए तो जीव परमात्मा और प्रकृति के मध्य में है। यदि उसकी चित्तवृत्ति अंतर्मुखी है तो वह परमात्मा के निकट है, और यदि उसकी चित्तवृत्ति बहिर्मुखी है तो वह प्रभु से दूर है। ऐसे ही एक जिज्ञासु ने संत महापुरुषों की शरण में जाकर निवेदन किया कि महाराज, मैं नित्य प्रति भगवान की पूजा करता हूँ, कथाएं भी सुनता हूँ, व्रत भी रखता हूँ, तप भी करता हूँ, तीर्थों पर भी जाता हूँ, दान पुण्य भी करता हूँ, और ये सारे कर्म धर्म मैं लगातार कई वर्षों से करते आ रहा हूँ, परंतु फिर भी मुझे आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। कृपा करके मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाए कि जिससे मुझे प्रभु के दर्शन हो। जिज्ञासु की यह विनती सुनकर संतों ने उसे फरमाया कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, परंतु इसके लिए जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। क्या तुम करोगे? हमारे ऊपर विश्वास है, जैसा हम कहेंगे वैसा करोगे? अगर करोगे तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। अब बेचारा जिज्ञासु तो प्रभु प्राप्ति की लगन में ही तो संतों के पास आया था, तो उसने हाथ जोड़कर विनय की कि भगवान, आप जैसा भी आदेश दें, जैसी आज्ञा करें, मैं वही करने को तैयार हूं। तब संतों ने उसे फरमाया कि देखो, सामने नदी बह रही है, उसमें एक बहुत बड़ी मछली रहती है, तुम अपना यही प्रश्न उस मछली से कह सुनाओ, वह तुम्हें प्रभु प्राप्ति की युक्ति अवश्य ही बताएगी। अब तो जिज्ञासु को संत महात्मा की बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य लगा कि ये मछली ये कैसी युक्ति बतलाएगी मुझे, परंतु उसने संतों के वचनों को मानने का वचन दिया था, तो चल पड़ा उस नदी की ओर। अब नदी के किनारे पहुंचकर उस प्रेमी ने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी मछली उस नदी में आनंद से तैर रही है। कभी वो पानी के सतह के ऊपर आ जाती है तो कभी पानी में गोता लगा लेती है। बहुत देर तक उसने ये मछली का खेल देखता रहा। उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि ये मछली एक मूक प्राणी है जो बोल नहीं सकती, उसके प्रश्न का उत्तर कैसे देंगी, वो इसकी भाषा कैसे समझेगी। अब फिर भी संतों के आदेश थे तो उसने मछली को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मीन, संतों ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, मैं कई वर्षों से प्रभु प्राप्ति के अनेक साधन कर रहा हूं, परंतु मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए, कृपा करके मुझे प्रभु की प्राप्ति की युक्ति बताओ। उसकी बात सुनकर मछली उससे बोलती है कि हे मनुष्य, मैं काफी दिनों से प्यासी हूं, कृपा मुझे जल का पता बता दो, मुझे जल कहां से प्राप्त होगा ताकि मैं अपनी प्यास को बुझा सकूं, और प्यास बुझेगी तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकूंगी।
अब तो बेचारा जिज्ञासु मछली की बात सुनकर उसके तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वो मछली को कहता है, अरे नादान, जिस जल के विषय में तू मुझसे पूछ रही हो वह तो जल तेरे चारों ओर है। यहां तक के जल में ही तो तेरा जन्म हुआ है, जल में ही तो तू सदैव रहती है। ये नदी का जल भी जिसमें तू रह रही है स्वच्छ और मीठा भी है। फिर तू प्यासी कैसे हो गई? प्यासी क्यों है? तू यदि पानी में रहकर प्यासी है तो उसका तो केवल एक ही कारण हो सकता है जो मेरी समझ में है। मैंने तो सुना है कि जब तक मछली सीधी रहती है तब तक उसके मुख में पानी नहीं जाता, उसकी प्यास नहीं बुझती। इसलिए जब मछली को पानी पीना होता है तो वह उलट जाती है और पानी उसके मुख में चला जाता है। तू भी यदि प्यासी है तो जल पीना चाहती है तो केवल इतना कर, अपने को उलट ले, देख फिर तेरी प्यास बुझती है कि नहीं। जिज्ञासु की बात सुनकर मछली बोलती है, हे मनुष्य, अपने प्रश्न का उत्तर तो तुमने स्वयं ही दे दिया है। अब तो जिज्ञासु की अवस्था देखने योग्य थी। बड़ा ही आश्चर्य मछली को कहता है, मैं तुम्हारा अभिप्राय समझा नहीं। अब मछली उसको समझाती है कि मनुष्य, जिस प्रकार मैं जल की प्यासी हूं वैसे तुम भी तो प्रभु दर्शन के प्यासे हो। जैसे मेरी उत्पत्ति जल में ही हुई है, मेरे चारों ओर जल ही जल है, वैसे ही तुम्हारी भी तो उत्पत्ति परमपिता परमात्मा से हुई है। तुम उसी के तो अंश हो और वो परमात्मा तुम्हारे चारों ओर कण कण में व्याप्त है। जिस प्रकार तुम मुझे कह रहे हो कि प्यास बुझाने के लिए उलट जा, तो उसी प्रकार मैं भी तुम्हें कहती हूँ कि तुम भी प्रभु दर्शन के प्यास बुझाने के लिए उलट जाओ। ये जो तुम्हारी चित्तवृत्ति है, ये संसार में फैली हुई है, इसको बाहर से समेट कर अंतर अपने घट में विद्यमान प्रभु की ओर कर लो, अंतर्मुखी होकर देख लो। फिर देखो तुम्हें प्रभु के दर्शन होते हैं या नहीं होते। मछली की ये बात जिज्ञासु के हृदय में उतर गई। उसने संत महापुरुषों की शरण में जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया और उसने अपनी चित्तवृत्ति को संसार की ओर से उलट कर अंतर्मुख करने की युक्ति सीखी और संतों के शुभ आशीर्वाद से उसे प्रभु के दर्शन भी हुए। गुरुमुखों, संत महापुरुष हमारी सृष्टि को नहीं बदलते अपितु हमारी दृष्टि को बदलते हैं कि संसार में रहकर भी अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। संसार में रहते हुए लोग कई प्रकार के रंग बदलते हैं, परंतु संत सदगुरु जीव का वक्त बदलते हैं। क्योंकि जीव के परम हितेशी कोई है तो वह है केवल और केवल संत महापुरुष।